राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों की ओर से घर घर जाकर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, उससे देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। राजस्थान कांग्रेस के अग्रिम संगठन NSUI ने भी एक रुपया राम के नाम अभियान शुरू किया है, लेकिन इस अभियान पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब राजस्थान NSUI के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि इस अभियान को लेकर पवन बंसल ने जो कहा है वह पार्टी की गाइडलाइन होगी। बीजेपी संगठन जब से बना है, RSS जब से बनी है, तब से इन लोगों ने आज तक धर्म के नाम पे ही राजनीति करी है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, कांग्रेस पार्टी एक धर्म निरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह से ना तो धर्म के नाम पर राजनीति करने की जरूरत पड़ी, ना कभी भविष्य में पड़ेगी। हमारा साफ सुथरा एजेंडा है। हम बार बार ये कहते हैं भगवान राम सबके हैं, 135 करोड़ लोगों के हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, प्राणी मात्र के हैं। इस बात से इन लोगों को तकलीफ है।